हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगी बनाने के लिए। साथ ही ये बहुत सारे आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी और ये समर्स में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग वंडर का काम करेगी आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन में से अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, तो ये इसे उसे निकालती है। साथ ही आपको एक्ने स्पॉट्स है, स्कार्स है या फिर किसी तरह की भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे भी हटा के, अगर आपको पिंपल हो रही है, पिंपल के बाद आपको मार्क्स हैं, तो ये उसे भी हटाने में मदद करती है। और ये समर में आपकी स्किन को कूल करती है, आपकी रेडनेस और जो सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, ये उसे भी हटा के आपको इंस्टेंट रिफ्रेशिंग स्किन देती है। तो इस समर सीज़न आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और काफ़ी कम टाइम में, और आप इसे आराम से एक हफ्ते तक बना के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं 6 दिन के लिए 6 आइस क्यूब काफ़ी होते हैं और उसके बाद आप नया बना लीजिए। तो गाइस, जैसे कि ये जो आइस क्यूब है ये मैंने पपाया से बनाया है। हम सभी जानते हैं पपाया आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गाइस, पपाया आपकी स्किन के अंदर जो न्यू सेल्स होते हैं उसे ग्रोथ करने में मदद करता है, जिससे आपकी जो नई स्किन है वो ग्लोइंग और स्पॉटलेस होती है। साथ ही रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने को कम करता है, मेलाज्मा को कम करता है और आपको यंगर रेडियंट स्किन देता है। और समर सीजन में ये टैनिंग और इरिटेशंस को भी हटाता है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें इस रेड कलर के, और उसके बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा तो उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तब जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और मैं रोज़ एक नई वीडियो डालती हूँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए। अब आपको लेना है एक पपाया को इस तरह से क्यूब में काट लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लीजिए बिना पानी डाले। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद आप इसका जो प्यूरी है एक बाउल में ले लीजिए। ठीक है, करीब आपको आधा कप प्यूरी मिलेगी। मैंने यहाँ पे करीब हाफ़ जो है कम से कम 6-7 मैंने है ना पपाया का जो क्यूब्स थे उसे मैंने ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद आपको इस तरह से हाफ कप पपाया की प्यूरी मिल जाएगी। अब इसके अंदर कोई भी लम्स हो, यानी कि जो अच्छे से पिसा नहीं है, इस तरह के लम्स जो है वो आप इसमें से निकाल लीजिए और इसका एकदम फाइन जो प्यूरी है वो आपको इसे यूज़ करनी है। अब इसके अंदर आपको अपने जो हमारे इंग्रेडिएंट है हम वो ऐड करेंगे। तो याद रहेगा, अगर कुछ भी इस तरह के लम्स हो तो आप उसे वापस से एक बार घुमा लीजिए या फिर उसे हटा दीजिए। अब उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच शहद। शहद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो आपकी पिंपल्स जो अगर हो गई हैं तो इसे ड्राई आउट करेगा, छोटा करने में मदद करेगा और पिंपल्स में जो पेन होता है उसे भी कम करता है और आपकी स्किन के इन्फेक्शन को भी कम करेगा। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। आप चाहें तो ग्रीन टी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। और रोज़ वाटर आपको करीब इसमें 4 चम्मच ऐड करना है। रोज़ वाटर आपकी स्किन को ठंडक भी पहुँचाएगा, साथ ही आपकी स्किन को टोन करेगा, आपकी स्किन को टाइटन करेगा, जो ढीली स्किन हो जाती है हमारी उसको कम करता है और रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी कम करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है 4 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई गाइस आपके एक्ने स्पॉट्स, स्कार्स, पिगमेंटेशन, मेलास्मा को कम करने में बहुत मदद करता है, तो आप इसे 1 विटामिन ई कैप्सूल ज़रूर ऐड करें। उसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसे मिक्स अच्छे से कर लीजिए कि सारी इंग्रेडिएंट है जो, क्योंकि हमने विटामिन ई ऑयल ऐड करा है तो वो अच्छी तरह से इन सारी चीज़ें जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अगर आपको ज़्यादा एक्ने स्पॉट्स है गाइस और बहुत ज़्यादा पिंपल्स है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 8 से 10 चम्मच यानी 8 to 10 tablespoons वाटर। ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ना तो ये आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे थोड़ा सा वाटरी बनाना है, ज़्यादा वाटर भी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा वाटर। तो करीब 6 से 7 चम्मच आपको इसमें पानी डालना है। अब इसे एक ट्रे के अंदर आप पोर कर लीजिए, यानी कि आप एक ट्रे के अंदर डाल लीजिए और फिर हम इसे रेफ्रिजरेटर में जमाएंगे। आपके पास जो भी शेप की आपके पास ट्रे है, जो हमारे नॉर्मल वाइट कलर की आती है, आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं और कटोरियों में या फिर किसी भी चीज़ में आप इसे जमा सकते हैं जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने इस तरह से जमाया है, अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया है और 2 से 3 घंटे बाद ये आराम से जम जाती और इस तरह से आपको आपके आइस क्यूब जो है वो मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप धूप में से आते हैं या फिर रात में या सुबह मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के टाइम पे अपने फेस को वॉश करना है और इस तरह से एक आइस क्यूब ले लीजिए। या फिर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस तरह के आइस क्यूब को आप किसी भी नॉर्मल कॉटन के कपड़े में डाल के फिर अपने पूरे फेस पर रब करिए। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो डायरेक्ट इस जो फेशियल आपका जो आइस क्यूब है उसे अपने फेस पर रब कर लीजिए। अगर आपको पिंपल्स है तो उस जगह पर आप थोड़ा प्रेशर देकर रब
करेंगे तो ये अच्छे से आपके पिंपल्स को कम कर देगा। उसके बाद आप उसे अपने फेस पे मसाज कर लीजिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद अपनी जो आपका सिरम है, मॉइस्चराइजर है, जो भी आप स्किन केयर रूटीन करते हैं वो फॉलो कर लीजिए। ये आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को कम करता है। अगेन मैं आपको बता दूंगा, इसे अप्लाई करने के लिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और फिर इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके 2 से 3 मिनट उसे मसाज करिए इस आइस क्यूब को, और देन वाटर से वॉश कर लीजिए। उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इसका बेस्ट टाइम अप्लाई करने का है जब आप धूप में से आ रहे हो, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिफ्रेश करेगा और इंस्टेंट ग्लो देगा। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। होप आपको ये पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को अगर पसंद आई हो। तो कोई भी क्यूरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।